Hello my lovely students, welcome back to my channel. So this is Khushi and today we are going to do assignment 1.2 of chapter 1, knowing our numbers. Okay, so we have already completed assignment 1.1 and now in this video we are starting with assignment 1.2. So let's start with question number 1, that is MCQ. First one, the largest and smallest numbers using the digits 6, 7, 1, 9 are respectively. So the digits are what? 6, 7, 1 and 9, and we have to form what? A largest number with this and a smallest number. So largest number will be what? We'll start with the largest digit. So 9, then 7, then 6 and then 1. So our largest number will be what? 9, 7, 6 and 1. Okay. Same way our smallest number will be opposite. So by the smallest digit. So 1, then 6, then 7, then 9. So our smallest number will be what? 1, 6, 7, 9. So let's check which option has this number, okay? 9761 or 1679. So first option may no, wrong. Second is also wrong. Third is also wrong. But the last one is correct. Yes, 9761 and 1679. Okay, now let's move on to the second part, that is the place value of 3 in the smallest 4 digit number. So formed by using the digits 1, 9, 3. Where one of the digits is allowed to repeat twice. Okay. So what do we have to do is the digits are what? 1, 9 and 3. Okay. 1, 9 and 3 are the digits. Moon ne bola hai ki hum inme se koi bhi ek digit ko 2 times likh sakte hai. Okay. So koi bhi one digit inme se choose karke usse 2 times likh sakte hai. But hume banana kya hai? Ek smallest number banana hai. Okay. Smallest 4 digit number hume banana hai. So स्मॉलेस्ट बनाना है तो जो इसमें से स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे. सो हमारा क्या बनेगा? 1, 1, 3 and 9. तो ये स्मॉलेस्ट नंबर भी हो गया और हमने एक डिजिट को 2 टाइम्स भी लिख दिया. ओके, दिस इज क्लियर. सो हमारा नंबर क्या बना? 1, 1, 3, 9. अब हमें पूछा क्या गया है? द प्लेस वैल्यू ऑफ 3. सो अब हमने स्मॉलेस्ट डिजिट तो बना लिया, स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया. नाउ हमें इसकी प्लेस वैल्यू देखनी है, किस नंबर की? 3 की. ओके, सो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में. सो प्लेस वैल्यूज, इंडियन प्लेस वैल्यू आल्सो एंड इंटरनेशनल टू. सो क्या होगी? राइट से स्टार्ट करते हैं. 1, 10, 100 and 1000. सो हमारा 3 किस प्लेस पे एंड हो रहा है? 10th प्लेस पे. तो प्लेस वैल्यू क्या आ गई? 30 आ गई. ओके, सो द डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ओके, सो वी हैव डन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट नाउ. Yes, so our third part is, in the greatest 5 digit number, if the tens and thousands digit are exchanged, then the difference between the original number and new number is. Okay, so what do we have to make? First of all, we have to, sabse pehle hume greatest 5 digit number banana hai. Okay, now greatest 5 digit number kya hai? 1, 2, 3, 4, 5. 5 times 9 likh denge. Okay, so hamara kya ban gaya? Greatest 5 digit नंबर. ओके, सो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमने बना लिया. अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? इफ द टेंस एंड थाउजेंड्स डिजिट्स आर एक्सचेंज्ड. सो अगर लेट्स राइट द प्लेस वैल्यू फर्स्ट. सो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000. ओके, सो इफ द टेंस एंड थाउजेंड डिजिट्स. सो टेंस कौन सा है? ये है एंड थाउजेंड है ये. सो अगर इन दोनों डिजिट को एक्सचेंज कर दे, मतलब थाउजेंड वाली टेंस बन जाए एंड टेंस वाली थाउजेंड्स बन जाए. सो बिटवीन द ओरिजिनल नंबर, देन द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर. तो हमारा जो न्यू नंबर है और जो पहले वाला नंबर है ओरिजिनल, उन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका हमें आंसर बताना है. ओके, सबसे पहले ये हमारा क्या है? ओरिजिनल है, जो हमें बोला गया है बनाने के लिए. जो फर्स्ट पार्ट था कि सबसे पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाओ. अब हमारा न्यू नंबर क्या? अगर अब मैं इस दोनों डिजिट को चेंज कर दूं, इसको यहाँ लिख दूं, इसको यहाँ लिख दूं, दोनों डिजिट क्या है? सेम ही है, तो फर्क तो आएगा नहीं. यस, तो हमारा फिर से क्या बन जाएगा? अगेन 4, 5 बार 9 ही आ जाएगा. बिकॉज दोनों डिजिट सेम ही है, तो चाहे मैं इसको इधर लेके जाऊं, उसको उधर लेके आऊं, दोनों की प्लेसेस, जगह, नंबर सब सेम रहेगा. ओके, नो. सो हमारे पास न्यू नंबर भी वही आ गया. यस, सो ओरिजिनल नंबर ये रहा, न्यू नंबर ये रहा. अब हमारा क्या है? देन द डिफरेंस. डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है. सो ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो 1, 2, 3, 4, 5 माइनस 1, 2, 3, 4, 5 5 टाइम्स. सो 0, 0, 0, 0, 0. यस,
हमें जीरो मिल रहा है पूरा आउटकम, दिस इज व्हाट, दिस विल बी कैंसिल्ड, यस। सो सारे नाइन नाइन से सब्ट्रैक्ट होके जीरो भी बन रहे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी पार्ट जीरो। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड विद क्वेश्चन नंबर वन ऑफ असाइनमेंट 1.2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन टू, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो मीट यू देयर, टिल देन बाय।